और इस वक्त आपको सीधे ले चलेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। अच्छे और सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी है। मनीष जी ने इनके माता पिता की आंखों में चमक दी है। आज मैं उन 18 लाख बच्चों से पूछना चाहता हूं, बच्चों क्या आपके मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं? मैं उनके माता पिता से पूछना चाहता हूं कि ये लोग आपके मनीष सिसोदिया को भ्रष्ट कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? मनीष सिसोदिया ने ना केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के गरीब बच्चों को उम्मीद दी है कि उनके स्कूल भी बदल सकते हैं। दिल्ली की शिक्षा क्रांति की धमक केवल भारत में ही नहीं, आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। पूरी दुनिया के देशों से दिल्ली सरकार के पास निमंत्रण आ रहे हैं, हमें भी हैप्पीनेस क्लास सिखाओ, हमें भी एंटरप्रेन्योरशिप क्लास सिखाओ। मनीष जी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए या उन्हें पूरे देश के स्कूलों को ठीक करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डाल के दरअसल ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं ना, उन्हें रोकना चाहते हैं। पर चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, सभी अच्छे काम चलते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं मुझे राजनीति करनी नहीं आती। मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता। मुझे केवल ये पता है कि मनीष और सत्येंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है। अगर मनीष और सत्येंद्र भ्रष्ट हैं तो फिर ईमानदार कौन है? खैर, मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये अच्छे और सुनहरी भविष्य की उम्मीद दी है। मनीष जी ने इनके माता पिता की आंखों में चमक दी है। आज मैं उन 18 लाख बच्चों से पूछना चाहता हूं, बच्चों क्या आपके मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं? मैं उनके आपको याद होगा मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। मनीष सिसोदिया भारत की शिक्षा क्रांति के जनक हैं। आजाद भारत के इतिहास के शायद वो सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। सरकारी स्कूलों में पहले गरीबों के बच्चों को थर्ड क्लास शिक्षा मिलती थी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में था। मनीष जी ने इन बच्चों को अच्छे और सुनहरी भविष्य की उम्मीद दी है। मनीष जी ने इनके माता पिता की आंखों में चमक दी है। आज मैं उन 18 लाख बच्चों से पूछना चाहता हूं, बच्चों क्या आपके मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं? मैं उनके माता पिता से पूछना चाहता हूं कि ये लोग आपके मनीष सिसोदिया को भ्रष्ट कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? मनीष सिसोदिया ने ना केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के गरीब बच्चों को उम्मीद दी है कि उनके स्कूल भी बदल सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अब जल्द ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि अब ईडी अपना काम कर रहा है, उसको स्वतंत्र एजेंसियों के तौर पर काम करने दीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी किस तरीके के आरोप लगा रही है सुनिए। सत्येंद्र जैन जी के इस केस को मैंने खुद पर्सनली सारा स्टडी किया।
ये बिल्कुल कंप्लीटली फर्जी केस है, बिल्कुल उनको जानबूझ के पॉलिटिकल कारणों की वजह से फंसाया गया है। तो मैं समझता हूँ सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन होता है, तो भगवान हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, और वो बहुत जल्दी, हमें जुडिशरी के ऊपर भरोसा है और जुडिशरी न्याय करेगी और वो निकल के आ जाएंगे। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपना क्लीन चिट दिया। अपने प्रेस के उद्बोधन में उन्होंने ये घोषणा की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भी आरोप हैं वो सारे के सारे आरोप तथ्यों से बहुत दूर हैं। अपने आप को जज की उपाधि देते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को जनता की अदालत में बरी कर दिया। 2019 के बाद से अब तक केजरीवाल जी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? प्रश्न नंबर 7 यही तो पूछता है कि अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की आम आदमी पार्टी की जो मंशा थी, क्या उसमें सत्येंद्र जैन के अलावा कोई और प्रमुख नेता आम आदमी पार्टी के सम्मिलित थे? कौन से वो दूसरे चोर की दाढ़ी में तिनका है? इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल ही दे पाएंगे। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। पूरा का पूरा मामला फर्जी है, केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर उनके मामले में 1% की भी सच्चाई होती तो मैं खुद ही कब का उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले चुका होता। 2019 में ही कोर्ट ने यह घोषित कर दिया था कि 16 करोड़ 39 लाख का काला धन सत्येंद्र जैन का है। तब से लेकर अब तक कोर्ट की इस घोषणा की सूचना क्या अरविंद केजरीवाल के पास नहीं थी? अगर कोर्ट पर भरोसा है तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर भरोसा क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके मंत्रियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि उनकी चिंता हिमाचल के चुनाव और सत्येंद्र जैन को कैसे जेल में सड़ाया जाएगा इस बात को लेकर, कैसे आम आदमी पार्टी को फर्जी तरीके से बदनाम किया जाएगा इस बात के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से और उनके मंत्रियों से कम इस वक्त जब पूरा कश्मीर जल रहा है, जब पूरा देश दुखी है, जब आए दिन कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, कम से कम ऐसे वक्त में तो जाग जाओ। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि केजरीवाल अब से थोड़ी देर पहले कह रहे थे, उनका ये कहना था कि सत्येंद्र जैन के बाद अब बारी मनीष सिसोदिया की है, क्योंकि लगातार इन दोनों को टारगेट किया जा रहा था। फर्जी केस में सिसोदिया की गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है, ऐसा उनके सूत्रों ने उन्हें बताया है। फर्जी मामले में अब सिसोदिया भी जेल जा सकते हैं, लेकिन वो दिल्ली वालों से ये पूछ रहे थे कि क्या आपको वाकई लगता है कि सिसोदिया भ्रष्ट है? आम आदमी पार्टी के सभी मंत्रियों को जेल में डाल दो, केजरीवाल कह रहे हैं। सत्येंद्र जैन के बाद सिसोदिया का नंबर है, हमारे 30 से ज्यादा एमएलए को गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि 30 एमएलए हैं जिन्हें टारगेट पर रखा गया है, इनके खिलाफ मामले चलाए जाएंगे और अंततः इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। बात अब हार्दिक पटेल की। आज हार्दिक पटेल बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। पिछले दिनों हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया था। हाथ का साथ छोड़ आज कमल थामने वाले हैं हार्दिक पटेल। पाटीदार आंदोलन से गुजरात की सियासत में पहचान बनाने वाले हार्दिक पटेल आज गांधीनगर बीजेपी मुख्यालय में आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। उन्हें बीजेपी में शामिल करवाने के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और बीजेपी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के साथ कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहेंगे।
हार्दिक पटेल ने पिछले दिनों कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। एवा समय पाटीदार नेता हार्दिक पटेल पोते पण गुजरात भारतीय जनता पार्टी में बीजी तारीखे बपोरे 12 वागे कमलम खाते जोड़ावाना छे। गुजरात की राजनीति में हार्दिक पटेल का उदय बीजेपी के विरोध की राजनीति से हुआ था। कुछ समय पहले तक हार्दिक बीजेपी को हर मुद्दे पर खरी खोटी सुनाते थे, अब बीजेपी उन्हें गले लगाने को तैयार है। सुनिए इस पर क्या कहना है पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल का। कोई पर व्यक्ति ने कोई पर विते पापी गणवो ये मारी दृष्टि योग्य नहीं। कोई व्यक्ति कोई जगह कोई भूल करे कोई रीते कोई खोटा निर्णय में जोड़ाए तो एने सुधारो करवानी हमेशा तक मरती हुई छे। हार्दिक पटेल राष्ट्रीय स्तर पर 2015 में चर्चा में आए जब पाटीदार आरक्षण की मांग के लिए सूरत में उन्होंने एक विशाल रैली की जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया गया। इसके बाद 25 अगस्त 2015 को हार्दिक ने अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में 5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ क्रांति रैली की। यहाँ हार्दिक पटेल ने मांग रखी कि जब तक मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल रैली स्थल पर आकर ज्ञापन नहीं लेती तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। धरना हटाने के लिए रात के वक्त पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसके बाद पूरे गुजरात में पाटीदार सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद हुई हिंसा में 14 पाटीदार युवाओं की मौत हुई और हार्दिक पटेल समेत आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हुए और 2020 में हार्दिक को सबसे कम उम्र का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कांग्रेस के साथ उनकी पारी छोटी साबित हुई। आज से हार्दिक बीजेपी के केसरिया बाने में नजर आएंगे। गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। और एक बार फिर रुक करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां पर फिर आतंकियों के निशाने पर हिंदू परिवार है। कुलगाम में बैंक में घुसकर मैनेजर को गोली मारी गई है। राजस्थान के रहने वाले थे विजय कुमार। कुलगाम की यह घटना जहां पर गैर कश्मीरी को गोली मारी गई है। बैंक मैनेजर पेशे से बताए जा रहे हैं विजय कुमार, इन्हें गोली मार दी है आतंकियों ने। एक और बड़ी घटना जो कि कुलगाम से आ रही है, जहां पर आतंकियों के निशाने पर अब गैर कश्मीरी भी सामने आ रहे हैं। गोली मार दी गई विजय कुमार को, जो कि बैंक मैनेजर हैं। कुलगाम में गैर कश्मीरी पर एक और हमला, इस हमले में विजय कुमार मारे गए। तो एक तरीके से देखा जाए तो मई जो है वो सबसे हिंसक महीना रहा है। 7 नागरिकों की हत्या हुई, 5 महीने में 134 लोगों की जान गई। हालांकि 97 आतंकी भी मारे गए, लेकिन राजस्थान के रहने वाले ये शख्स जिन पर एक बार फिर से हमला हुआ है, इससे पहले आपको बता दें ये अब कहा जा रहा था कि सुरक्षित क्षेत्रों में कश्मीरी पंडितों को अब उनकी तैनाती होगी। जो लोग वहां काम कर रहे हैं, जो काम करने के लिए आए हैं, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन राहुल भट्ट की हत्या के बाद से शुरू हो गया था और उसी को लेकर लोग नाराज थे। अब ये कहा गया था कि उनको सुरक्षित जगहों पर रखा जाएगा और उनको उनकी ड्यूटी वहां लगाई जाएगी। लेकिन आपको बता दें एक और घटना, कुलगांव में गैर कश्मीरी पर यह हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, कुलगांव में गैर कश्मीरी पर यह हमला। ये बताया जा रहा है कि बैंक में घुसकर मैनेजर को गोली मारी गई है। राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं विजय कुमार, बैंक में घुसकर आतंकियों ने गोली मारी है। हालांकि आतंकियों को पकड़कर निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके जो टारगेट किलिंग है वो खत्म नहीं हो रही और इसी को लेकर लगातार वहां पर जो कश्मीरी पंडित है वो प्रदर्शन कर रहे थे और इसीलिए सहमति बनी थी कि उनको सुरक्षित जगहों पर रखा जाएगा। बावजूद ये किया जाता उससे पहले ही एक और घटना सामने आ गई। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। अशरफ, देखिए सिलसिला थम नहीं रहा, ये बेहद चिंताजनक बात है जिसको लेकर लगातार सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है कि आखिरकार प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया जाता है ऐसे लोगों को, या फिर अगर वो वापस लौटते हैं तो सुरक्षा का आश्वासन क्या सिर्फ काफी है? दरअसल सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती पिछले कई हफ्तों से कश्मीर में बनी हुई है। जिस अंदाज से एक के बाद एक टारगेटेड किलिंग हो रही है और अभी कुछ देर पहले जो ये एक बैंक मैनेजर को निशाना बनाया गया है कुलगाम ज़िले में, जो दक्षिणी कश्मीर में आता है, एक गांव अर्र है वहां पर इलाकाई देहाती बैंक जो है एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है उसमें ये बतौर मैनेजर काम कर रहा था। बैंक के भीतर आतंकी आए और उस पर गोलियां बरसाई, जिस बीच उसको
व्यवस्था में जो है कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला अस्पताल जो है वहां लिया गया और लेकिन वहां पर उसने दम तोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं पिछले 48 घंटों के दौरान ये दूसरी टारगेटेड किलिंग है जिनमें अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज को हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं साफ जो है एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए और कहीं ना कहीं डर भी जो है वो उन अल्पसंख्यकों को खासतौर से जैसे आपने कहा कि कश्मीरी पंडित हों या फिर जो जम्मू के इलाके से कश्मीर में काम कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी हैं उनमें बढ़ रहा है। फिलहाल प्रशासन और सरकार की तरफ से उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और कातिलों के खिलाफ जो है बड़ा अभियान शुरू किया गया है। लेकिन देखा गया है कि पिछले जितने भी ये टारगेटेड किलिंग्स के सिलसिले हुए वहाँ पर फिलहाल घटनास्थल पर सुरक्षा बल या फिर प्रशासन किसी भी कातिल को पकड़ने में नाकाम रहा है। फिलहाल सरकार की तरफ से कोशिश है कि ये जो सिलसिला एक नया शुरू हुआ है पिछले 3-4 हफ्ते से जहाँ से लगातार एक के बाद एक सॉफ्ट टारगेट करके जो है इन टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम दिया जा रहा है इनको कैसे रोका जाए। फिलहाल अभी जैसे मैंने आपको कहा कि कुलगाम जिले के उस पूरे इलाके की घेराबंदी सुरक्षा बलों और पुलिस ने की है जहां पर ये आतंकी घटना घटी। नेहा अशरफ, यहां पर ये भी जानकारी, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था राहुल भट्ट की हत्या के बाद, सड़कों पर लोग थे, ये कहा गया कि अब जिनकी जिनकी पोस्टिंग ऐसी जगहों पर है जहां पर आतंकी घटनाएं ज्यादा हो सकती है उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाएगा। ये कब तक होना था और उससे पहले ही देखिए घटना सामने आ गई। अर्पिता, दरअसल उससे सभी मामला जो है सुलझ नहीं जाएगा क्योंकि दरअसल अगर हम कश्मीर की बात करें यहाँ पर न सिर्फ जैसे कि आज का जो एक मैनेजर है ये तो सरकारी कर्मचारी जम्मू कश्मीर सरकार का कर्मचारी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जगह जगह पर जो है अल्पसंख्यक के लोग हैं या हिंदू कहें वो लोग काम भी कर रहे हैं, पर्यटक भी हैं, प्राइवेट फर्मों में भी काम करते हैं, अलग अलग जो व्यवसाय हैं उनमें भी काम करते हैं, सभी को सुरक्षा देना सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल है। फिलहाल जो एक सरकारी कर्मचारी जो है वो लगातार राहुल भट्ट के मारे जाने के बाद एक लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे थे अलग अलग जगहों पर जहां पर उनके माइग्रेंट कैंप्स हैं कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। उसको लेकर सरकार ने तो फैसला लिया है कि 6 जून तक उन जगहों पर उन सभी कर्मचारियों को जो है तबादला किया जाएगा जो सुरक्षित भी हो और जहां पर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं जो ज़िला के प्रमुख विभाग होते हैं वहां पर सुरक्षा लगी होती है वहां पर उनकी तैनाती की जाएगी। लेकिन सभी लोगों के लिए सुरक्षा पैदा कराना, उनको सुरक्षित रखना वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किल भी है और वही आतंकी संगठन चाहते भी हैं कि सरकार दुविधा में पड़े और जो पिछले कई सालों के दौरान कश्मीर में माहौल ठीक करने को लेकर सरकार के दावे थे या सरकार ने जो काम किया था उस पर चोट लगे। सरकार ये भी नहीं चाहती है कि एकदम से उस तरह के हालात कश्मीर में बनाए जहां पर सभी अल्पसंख्यकों, कश्मीरी पंडितों और दूसरे लोगों को यहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाएगी तो कहीं ना कहीं फिर जो है जम्मू कश्मीर में सरकार, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका पर ही सवाल उठेंगे कि क्या 20 साल के बाद या नहीं। अशरफ, जरा एक बात बताइए क्योंकि 6 जून तक कश्मीर में ये कहा गया जो सुरक्षित ठिकाने हैं वहां पर इन लोगों की तैनाती हो जाएगी। गृह मंत्री 3 जून को उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले ही ये घटना सामने आ जाती है, तो क्या अब ये जो 6 तारीख और 3 तारीख यानी कल का दिन उसके बाद 6 तारीख को तब तक क्या सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी या कहीं और इन लोगों को ले जाया जाएगा? क्योंकि आतंकी घटनाएं देखिए बढ़ रही हैं और मई सबसे हिंसक महीना रहा है। बिल्कुल अर्पिता, दरअसल पहले ही एडवाइजरी जारी की है जम्मू कश्मीर सरकार ने, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, जो भी जगह आइसोलेटेड जगह हैं जैसे कि आज का ये गांव था जो एक आइसोलेटेड गांव है कुलगाम ज़िले का, वहां पर जो है ये आतंकी हत्या हुई है। लेकिन इस पर जो है कहीं ना कहीं अब वो लोग जो कश्मीर में इस तरह से कर्मचारी हैं अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं उनको पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की मदद करनी होगी। कल ही जो है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है जहाँ पर बाज़ाब्ता फ़ोन नंबर रखे गए हैं, जहां पर एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है ताकि अगर किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के किसी व्यक्ति को या फिर किसी अल्पसंख्यक के व्यक्ति को कोई भी मदद चाहिए तो वो सरकार से संपर्क साध सकता है। लेकिन जितनी देर में सरकार की तरफ से इस तरह के प्रयास हो रहे हैं उस बीच में कहीं ना कहीं आतंकी संगठन कोई ऐसा निशाना ढूंढ लेते हैं जहां पर सरकार के ये सभी दावे जो हैं एक तरफ पड़ जाते हैं या फिर विफल दिखते हैं। तो अब कहीं ना कहीं जाहिर है कि सरकार की तरफ के साथ साथ यहां की सिविल सोसाइटीज, यहां के अलग अलग विभागों को और इन कर्मचारियों को जो कि पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं, जिनको निशाना बना सकते हैं, उनको भी सहयोग सरकार के साथ करना होगा। तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालना होगा ताकि आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में इस तरह का कोई और हादसा कश्मीर में ना हो और किसी की जान ना जाए।
जाहिर तौर पर अशरफ, इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो है नहीं। ये एक ऐसी कार्रवाई आतंकियों की ओर से की जा रही है जिससे एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज जाए, और काफी हद तक वो इसमें सफल भी हुए। बिल्कुल वही एक कोशिश है आतंकी संगठनों की तरफ से, डर का ऐसा माहौल बने जिसमें जम्मू कश्मीर सरकार जो है कहीं ना कहीं असमंजस में नजर आए। उस तरह के हालात जो है अब पिछले कुछ हफ्तों के दौरान बने हैं, क्योंकि माना गया था राहुल भट्ट की हत्या हुई, उसके बाद शायद इस पर अंकुश लग जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर एक हत्या होती है, फिर दो दिन पहले ही जो है एक शिक्षक की मौत होती है कुलगाम जिले में ही, उसके स्कूल में जाकर आतंकी उसकी हत्या करते हैं, और आज की ये जो वारदात है, जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार पर जबरदस्त दबाव बढ़ रहा है और सरकार के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसी हालत बन गई है। अगर यहां से अल्पसंख्यकों को निकालती है तो सरकार के पूरे कार्य पर जो सवाल उठेंगे, अगर वो उनको सुरक्षा नहीं देती है तो सरकार के लिए खासतौर से उन लोगों को जो कि काफ़ी ये टारगेट पे हैं, उनकी तरफ से जो है विरोध भी बढ़ेगा और उनकी तरफ से प्रदर्शन भी बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये घटनाएं जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अशरफ, यहाँ पर सवाल तो ये भी है कि ये कहा जा रहा था कि आइए आप सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन एक घटना होने के बाद भी चेतते नहीं है, उसके बाद दूसरी घटना, तीसरी घटना, लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो क्यों नहीं उन लोगों को सुरक्षा दी जा रही है जिन पर खतरा ज्यादा बढ़ रहा है? जम्मू से मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। अशरफ, आपके पास लौटेंगे, पहले सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, देखिए लगातार आप इन घटनाओं का कवरेज करते आए हैं, जाहिर तौर पर किसको टारगेट किया जा रहा है ये किसी से अब छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में आज की जो घटना है कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये भी यहां पर है कि आखिरकार इस पर विराम यानी कि फुल स्टॉप कब लग पाएगा? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में एक बैंक मैनेजर की हत्या कर दी आतंकवादियों ने, और इसको लेकर अब जम्मू संभाग में काफी ज्यादा रोष है। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। रजनी बाला की जिस प्रकार से आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हत्या की, उसको लेकर जम्मू संभाग में आक्रोश है। हम सीधा प्रदर्शनकारी से बात करते हैं। जी आप बताइए, एक और जो है हिंदू समाज के व्यक्ति की हत्या हुई है, विजय कुमार राजस्थान से है, वो बैंक मैनेजर। सर यही हमारी अग्नि है जो हमारी गवर्नमेंट इसको एड्रेस नहीं कर रही है, ठीक है, यही हमारी अग्नि है। हम उनको वो हमें कहते हैं कि हाँ सेफ एरिया में लेके जाएंगे। सर कश्मीर, देयर इज नो सेफ एरिया इन कश्मीर। सर आप भी कश्मीर में ही काम करते हैं? यस सर। कहाँ पर? आई एम इन बारामूला। तो अभी आप वहाँ से छोड़कर आए? बिल्कुल सर। आप अपने आप को असुरक्षित महसूस? बिल्कुल सर, टोटली। क्या हालात है कश्मीर घाटी? सर हालात वहाँ पे ठीक नहीं है। हमारी सर ये डिमांड है, हमारे लिए प्रॉपर ट्रांसफर प्रोसेस फ्रेम की जाए, तब जब तक हमारा ये सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक हम ड्यूटी पर वापस नहीं जाएंगे। आप जम्मू के रहने वाले? जम्मू से। कहाँ से? ये रेशमगढ़। अच्छा अच्छा, जम्मू संभाग से। और भी सभी कर्मचारी भी, आप बताइए, आप भी कश्मीर से आए? नहीं, हाँ सर, मेरे पोस्ट कश्मीर में है। कहाँ पर हो? कश्मीर में? पुलवामा में। पुलवामा में आप ही छोड़कर आए वहाँ? हम छोड़कर आए हैं। वहाँ पर माहौल अभी बहुत ज्यादा खराब? बहुत खतरनाक माहौल है सर, वहाँ हम सेफ नहीं फील कर रहे हैं। तो सरकार से क्या कहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले एक बैंक मैनेजर की भी हत्या हुई है राजस्थान। अभी अभी वो माइनॉरिटी को कोई भी होगा, चाहे जम्मू का होगा या बाहर का, वो उसको छोड़ेंगे नहीं, उनका टारगेट के नहीं कर रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है कश्मीर घाटी में, चाहे कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग, डोगरा हिंदू हो या देश के बाकी भागों से हिंदू हो, सुरक्षित नहीं है? नहीं है जी, नहीं है कोई। आप काम पर नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे सर। सरकार ने तो कहा है कि जिला मुख्यालयों में आपका जो है ट्रांसफर किया जाएगा, तबादला किया जाएगा, क्या आप उससे संतुष्ट? नहीं नहीं, हम वहाँ तो ज्यादा खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों में ज्यादा खतरा है सर वहाँ पे, वो सबको पता है कि ये यहाँ डाल दिए लाके, वो तो ओपन चैलेंज है उनको कि यहाँ मार लो आके इनको। अब कश्मीर में काम करते? कश्मीर में करते हैं। पर सर बारामूला में। तो अभी छोड़कर आए वहाँ सर? तो आप काम पर नहीं जाएंगे जब तक? जब तक आपकी मांग? हमारी मांग ट्रांसफर टू जम्मू। अच्छा, आप ट्रांसफर चाहते हैं जम्मू में? तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कश्मीर घाटी में जम्मू संभाग के डोगरा हिंदू जो वहां पर कार्यरत हैं अलग अलग विभागों में, वो वहां से लौटकर आ गए हैं, वो यहां जम्मू आ गए हैं, और इनकी यहां पर मांग है कि इनको जम्मू में तबादला किया जाए। उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और आक्रोश है सरकार के खिलाफ। इनका कहना है कि सरकार गंभीर नहीं है, जिला मुख्यालय भी सुरक्षित नहीं है, तो सरकार को तुरंत जितने भी हिंदू समाज के जो
कर्मचारी है जो कश्मीर घाटी में कार्यरत है, चाहे कश्मीरी पंडित समुदाय के हों, डोगरा हिंदू समाज के हों, या देश के अलग भागों से जो हिंदू समाज के लोग वहां जो कार्यरत है, उनका तुरंत तबादला होना चाहिए। उनकी जान खतरे में है, एक एक करके चुन चुन कर उनकी हत्याएं हो रही है। सुनील जी भट्ट, ये लगातार हम देख रहे हैं गैर कश्मीरी जो है उन पर ये हमले जारी हैं। अब सवाल तो ये है क्योंकि अब कदम ये उठाया गया कि चलिए सुरक्षित जगहों पर इनकी तैनाती कर दी जाए, वो भी 6 जून के बाद, लेकिन उससे पहले जो आपके साथ लोग हैं वो कह रहे हैं कहीं भी वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में समाधान क्या है? और इतनी घटनाओं से भी सबक नहीं ले रहे, जिम्मेदार कौन होगा फिर? जी बिल्कुल, ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कश्मीर घाटी में इस समय हालात काफी ज्यादा नाजुक है, खराब है, क्योंकि एक एक करके हिंदू समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। हम यहाँ पर कुछ जो महिला कर्मचारी है उनसे भी बात करते हैं। आप भी कश्मीर में कार्यरत? जी जी, हम भी कश्मीर। वहाँ पर कहाँ पर? कुलगाम में, जहाँ में रजनीबाला की किलिंग हुई है। आप भी रजनीबाला के साथ ही काम करती थी? जी नहीं, उनसे दूसरे, थोड़ा दूर है। वहाँ से छोड़ कर आए पूरा परिवार के साथ? जी जी। अभी आपकी मांग क्या है? ट्रांसफर जम्मू में। और सरकार ने जो फैसला किया है कि जो आपको जिला मुख्यालयों में ट्रांसफर होगा, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जाना तो हमें वो मुख्यालय में ही मरा था, उनकी किलिंग, राहुल भट्ट जी की किलिंग कहाँ पे हुई? तहसील ऑफिस में हुई। जब वो सेफ नहीं है तो हम कहाँ से सेफ होंगे? जो दीपक चंद जी मारे गए वो भी श्रीनगर में मारे गए, सुरेंद्र कौर जी की किलिंग हुई वो भी श्रीनगर में हुई। तो आपको लगता है अल्पसंख्यक है? आसमान से गिराया खजूर पे अटका दिया, तेल की कढ़ाई से निकाल के गर्म पानी में डाल दिया। लगता है सरकार लीपापोती कर रही है? ये तो सामने की बात है, ये तो आप लोगों का काम है निकालना कि लीपापोती कर रही है कि क्या कर रही है, मीडिया किस लिए है? तो अभी आप क्या चाहते हैं? ट्रांसफर चाहते हैं हम लोग। 15 साल हो गए हम लोगों को वहाँ पे काम करते हुए, फिर आप क्या, कोई पॉलिसी तो होनी चाहिए। हिंदू समाज के लोग सुरक्षित? अगर सुरक्षित होते तो इतने लोग यहाँ क्यों आते? तो बिल्कुल अर्पिता, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुस्सा फूट पड़ा है, जो कश्मीर घाटी में जम्मू संभाग के डोगरा हिंदू समाज के लोग जो वहाँ कार्यरत हैं, वो वहाँ से भागकर आ गए हैं, वो जम्मू आ गए हैं और ये चाहते हैं कि इनका ट्रांसफर जम्मू में हो। इनका कहना है कि हिंदू समाज के लोग, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, डोगरा हिंदू समाज के लोग हो, या देश के अलग भागों से जो हिंदू समाज के लोग वहाँ कार्यरत हैं, वो सुरक्षित नहीं है। सरकार ने जो आश्वासन दिए हैं वो खोखले आश्वासन है। इनका कहना है कि चाहे जिला मुख्यालय हो, गाँव हो, कस्बे हो, कश्मीर घाटी में इस समय हालात काफी ज्यादा नाजुक है और सरकार को बड़ी ही गंभीरता के साथ इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और हिंदू समाज की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। इनका कहना है जो अभी कदम उठाए गए हैं वो कहीं ना कहीं लीपापोती है और कश्मीर घाटी में हिंदू समाज के लोग बलि का बकरा बन रहे हैं। हम कुछ और प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं। जी आप बताइए, आप? मेरा नाम नीरूबाल है, मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आप श्रीनगर में काम करती थी? जी जी, एज अ जी जी। श्रीनगर तो कहा जाता है सेफ है, क्या इस समय श्रीनगर भी सेफ? कोई सेफ नहीं है, कोई सेफ। राजधानी श्रीनगर की मैं सेफ की कोई बात नहीं है। कल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हम इसका पूरा संज्ञान लेंगे। आज इलाके देहाती बैंक में हमारा एक भाई काम करता है जिसका नाम विजय कुमार है और वो राजस्थान का रहने वाला है, उसको भी गोली मार दी गई है। 6 मिनट पहले ही खबर आई है, आज एक और टारगेट किलिंग हुई है इसकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का आक्रोश। इनका कहना है कि जिला मुख्यालय हो, तहसील दफ्तर हो, या SDM का दफ्तर हो, कहीं पर भी हिंदू समाज के लोग सुरक्षित नहीं है। चुन चुन कर लोगों को पहचाना जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है। और आप यहां पर देखिए प्रदर्शनकारी कितने आए हैं, ये सभी कश्मीर घाटी में कार्यरत है। रजनी बाला का यहां पर चित्र हाथों में लिए, आप देख सकते हैं इंसाफ की मांग कर रहे हैं और साथ ही में कह रहे हैं कि हिंदू समाज के लोगों का ट्रांसफर होना चाहिए जम्मू संभाग में और कश्मीर घाटी में। इनका कहना है कि सुरक्षा की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। लौटेंगे आपके पास सुनील जी भट्ट, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, क्योंकि आप उस प्रदर्शन में मौजूद हैं जहां पर रजनी बाला के जो सहयोगी हैं उनके साथ जो लोग काम करते हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कल बीजेपी जम्मू के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना रजनी बाला के घर पहुंचे थे, वहां उनको किस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा था तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कितनी पैसे मारेंगे हम? क्या बिगाड़ा था सर?
उनके बच्चों को सुना रहे थे सर, ये नहीं होने देंगे हम सर। आप कर सकते हो, आपकी गवर्नमेंट कर सकती है सर, प्लीज हम आपका टेस्ट करते हैं। आज के बाद ये लोग नहीं जाएंगे वहां पे, नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, नहीं जाएंगे। We want solution, we want solution, one time solution. We want one time solution. Let's go. पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। हत्या की जांच जारी है, मगर इस बीच बावनिया गैंग ने धमकी दी कि वो मूसेवाला के कत्ल का बदला लेंगे। पंजाबी सिंगर मूसेवाला के मर्डर से जुड़ी यह सबसे नई सीसीटीवी तस्वीर है। सीसीटीवी फुटेज में सिंगर मूसेवाला की थार जीप और हमलावरों की बोलेरो और केरला कार साफ नजर आ रही है। 29 मई को पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव में मूसेवाला का सरेशाम मर्डर हुआ था। ये सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गई है, हमने सारे रास्ते हैं वहां से भी अलग अलग एरिया से अलग अलग टाइम्स के बीच हमने फुटेज निकाली है, तो काफी सारी अहम लीड्स है। जहाँ ये करोला कार है जिसने रेकी की है, क्या रूट लिया है, रास्ते में कहाँ रुकी है, कहाँ ओवरटेक किया है, काफी मैनेज किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा भी कहाँ उस एग्जिट रूट उसने क्या लिया है, कहाँ ये करोला गाड़ी अबैंडन मिली है, उसके बाद आगे बोलेरो गाड़ी कहाँ अबैंडन मिली है, कहाँ पे ऑल्टो गाड़ी स्नैच हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास, जी टेक्निकल एविडेंसेस भी हमारे पास है और साथ में हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। मूसेवाला मर्डर केस की तहकीकात से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मर्डर में 6 से 7 हमलावर शामिल थे, जिसमें 3 की पहचान हो चुकी है। हमले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जा रहा है। पूछताछ के लिए मानसा पुलिस लॉरेंस को कस्टडी में लेने वाली है। पंजाब पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने हाईकोर्ट में एक अर्जी डाली है। लॉरेंस ने कोर्ट से मांग की है कि मूसेवाला मर्डर केस में उससे किसी भी तरह की पूछताछ दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही हो, उसे पूछताछ के लिए पंजाब न भेजा जाए, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। कि इसकी जान को खतरा है, पंजाब पुलिस कभी भी कर सकती है, लेकिन इस टाइम पे जो ये हालात बन चुके हैं, इस टाइम हालात जो है बिल्कुल पीक पे है, क्योंकि पंजाब पुलिस जो है ओपनली वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रही है और पॉलिटिकली इतनी ज्यादा वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुकी है कि कभी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए या प्रेशर में आकर पंजाब पुलिस को आनंद फानंद में इसको ले जाके वहां पे इसका फेक एनकाउंटर ना कर दे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस समय एक पुराने मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के रिमांड पर है। इससे पहले वो तिहाड़ जेल में बंद था। लॉरेंस बिश्नोई का दावा है कि सोशल मीडिया में उसके हवाले से जो चीजें पोस्ट हो रही हैं, उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार को गिरफ्त में लेने के लिए भी पंजाब पुलिस सेंट्रल एजेंसी की मदद ले रही है। इस बीच मूसेवाला मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। कुख्यात गैंगस्टर सराज सिंह उर्फ मिंटू अमृतसर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि मिंटू के इशारे पर वारदात में इस्तेमाल हुए वाहन मुहैया करवाए गए। पुलिस को आशंका है कि सराज के इशारे पर ही हत्याकांड में कुछ छात्रों को शामिल किया गया था। सराज उर्फ मिंटू ने अक्टूबर 2017 में हिंदू नेता विपिन शर्मा की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। गैंगस्टर मिंटू कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के गिरोह का खतरनाक गुर्गा है। साफ नजर आ रहा है कि साजिश गहरी है और इसकी कई परतें उतरनी बाकी है। मानसा से अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो।